हाँ जी, कौन हो आप? बेवकूफ। हाँ? अरे मेरे अलावा इस दुनिया में सभी बेवकूफ है। मेरे जैसा बेवकूफ इस देश में नहीं है। पर कुछ तो नाम होगा आपका। मैं पप्पू हूँ। अच्छा अच्छा, पप्पू हो? अरे पप्पू जी नमस्कार। नमस्कार। और पप्पू जी कहाँ रहते हो आजकल? कहीं दिखाई भी नहीं देते। बाथरूम के सामने। हाँ? क्या बाथरूम के सामने? अरे लेकिन आपके घर तो बाथरूम है ही नहीं, फिर आप किसके बाथरूम के सामने हो? नरेंद्र मोदी जी के। लेकिन आप उनके बाथरूम के सामने क्या करने गए हो? दर्शन करने जा। अरे यार बड़े कमाल के आदमी हो, मोदी जी के दर्शन करने उनके बाथरूम में ही चले गए। हाँ? अगर आपको वहाँ किसी ने देख लिया तो आपकी बहुत धुलाई करेंगे। जो भी हो जाए मैं ये काम करूँगा। ठीक है, अगर आपको पिटना ही है तो करो ये काम, फिर मुझे फोन मत करना, मैं नहीं आऊँगा आपको बचाने। लेकिन मैंने सुना है आपने शादी कर ली। हाँ। अच्छा तो आपकी लुगाई का नाम क्या है? नाम नहीं बता सकता। अरे यार मैं आपकी लुगाई को उठाकर थोड़े ही ले जाऊंगा, जो आप मुझे उनका नाम नहीं बता रहे। हाँ? नाम बता दिया तो मोदी जी आउट कर देंगे। आपके और मोदी जी के बीच में क्रिकेट का मैच चल रहा है क्या, जो मोदी जी आपको आउट कर देंगे? चलो छोड़ो अबे। और ये बताओ, आपने जिस लड़की से शादी की उससे ऐसा क्या कहा कि वो आपसे शादी करने के लिए तैयार हो गई? वो देखो चांद है, उस पे मैं तुम्हें खेत दूंगा। अरे चांद पर आपके फूफा का खेत है या फिर आपकी बुआ का खेत है जो आप उसे दे दोगे? चलो ये बताओ, आपको शादी करके कैसा लगा? मजा आया। तो आप ये मजा अकेले अकेले ही लोगे या मेरे जैसे बाकी कुंवारों को भी लेने का मौका दोगे? और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। आप मेरे को ये मजा दिलवाने के कितने रुपए लोगे? 200। मैंने सुना है कि मोदी जी को भी आपने मजे दिलवाए थे। मोदी जी ने कितने रुपए दिए थे आपको? नरेंद्र मोदी जी ने 5 रुपए दिए। अरे यार मोदी जी तो है कंजूस, मैं आपको पूरे 200 रुपए दूंगा। आप तो मेरे को ये बताओ, आप मेरे को ये मजे कब दिलवाओगे? जब सही लड़की मिलेगी तब। फिर भी यार कितने दिन लग जाएंगे? 10 दिन के अंदर। कहीं आप झूठ तो नहीं बोल रहे? गारंटी करके कह रहा हूँ। तो ठीक है राहुल जी, आप मुझे मजा दिलवाने की व्यवस्था करो 10 दिन के अंदर अंदर। अब मैं फोन रखता हूँ। ओके बाय बाय।